क्लॉजेस। क्लॉज हमारे पास वो स्टेटमेंट है जो एक लॉजिकल कंडीशन की बुनियाद पर हमारी क्यूरी को ज्यादा इफेक्टिव, एक्यूरेट और प्रिसाइज बनाती है। एसक्यूएल में क्यूरी को इफेक्टिव बनाने के लिए हम चार किस्म के क्लॉजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास वेयर क्लॉज है, ग्रुप बाय क्लॉज है, ऑर्डर बाय क्लॉज है और हैविंग का क्लॉज है। वेयर क्लॉज हमारी क्यूरी में वेयर के साथ लॉजिकल कंडीशन ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेयर क्लॉज का सिंटैक्स आपके सामने है, आप लिखते हैं सिलेक्ट स्पेस क्राइटेरिया लाइक कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम वेयर, और वेयर के बाद आप कॉलम नेम और लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल कंडीशन अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये टेबल है जहां पर ये पर्सन का रिकॉर्ड है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सन आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, चार फील्ड हैं। यहाँ पे अगर हम क्यूरी लगाते हैं वेयर क्लास के साथ तो किस किस्म की लगाएंगे, यहां आप देख सकते हैं यहां मैंने क्यूरी अप्लाई की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पर्सन्स, पर्सन के टेबल के सारा रिकॉर्ड दिखाओ, वेयर सिटी इज इक्वल टू सैंडर्स। यहां पर हमारे पास तीन सिटीज हैं तो सैंडनेस सिटी के दो रिकॉर्ड्स हैं। हमने वेयर के क्लास में कंडीशन दे दी कि सैडनेस सिटी का रिकॉर्ड हमें दिखाओ, तो ये दो रिकॉर्ड्स हमारे आउटपुट में आने चाहिए, रिकॉर्ड नंबर वन और रिकॉर्ड नंबर टू। एज अ रिजल्ट हमारी क्यूरी हमें पर्सन आईडी, नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस और सिटी देगी, जहां पर लास्ट नेम सिटी का सैडनेस होगा। अब हम इसको एसक्यूएल पे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। यहां अप्लाई करने के लिए एसक्यूएल को लोड करेंगे, एसक्यूएल को लोड करके हमारे पास इस वक्त लिस्ट ऑफ टेबल्स जो मौजूद है उसमें एम्प्लॉय का टेबल रिकॉर्ड्स में मुश्तमिल है। यहां पे आप देख सकते हैं मैंने क्यूरी अप्लाई की सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, तो इसने मुझे एम्प्लॉय के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स दिखा दिए। अब यहां पे मैं वेयर का क्लास यूज करता हूं सैलरी के ऊपर। सैलरी फील्ड में हमारी सैलरी 800 से स्टार्ट हो रही है और 5000 तक जा रही है, तो यहां पे हम एक ऐसा वेयर कंडीशन बनाते हैं जो कि सैलरी के लिए हम यूज करें, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा सैलरी फ्रॉम टेबल एम। इसके बाद यहां वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यहां पे हमने कंडीशन दे दी 2000 से, जहां पर हमारी सैलरी ज्यादा हो, सेमीकॉलन एंटर। तो आप देख सकते हैं सिर्फ उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आपके सामने है जिनकी सैलरी 2000 से ऊपर है, क्योंकि हमने क्या वेयर कंडीशन में सैलरी को ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2000 मांगा था। सो डियर स्टूडेंट्स, वेयर कंडीशन को आप ऑपरेटर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, लॉजिकल कंडीशंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। वेयर का क्लास आप सिलेक्ट की क्यूरी में भी पढ़ चुके हैं। यहां पे मैं क्यूरी को थोड़ा एडिट करता हूं, एडी एंटर, और लॉजिकल स्टेटमेंट में थोड़ी सी चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलरी इज लेस देन एंड इक्वल टू 2000। इसके बाद हम शॉर्ट की प्रेस करेंगे ऑल्ट एफ एस ऑल्ट एफ एक्स, ताकि हम एडिटर के अंदर से बाहर चले जाएं और क्यूरी को दोबारा इंप्लीमेंट कर सकें। यहां पे स्लैश
एंटर करने से हमारी एडिटेड क्यूरी रन हो जाएगी। तो आपने देखा आपके सामने स्मिथ से लेकर माइलर तक जितने भी इम्प्लॉयज हैं सबके रिकॉर्ड में सैलरी 2000 से कम है। तो हमने वेयर में कंडीशन दे दी कि सैलरी इज लेस देन एंड इक्वल टू 2000। लेट्स अप्लाई अनदर क्यूरी, सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब कॉमा डिपार्टमेंट नंबर। अब डिपार्टमेंट नंबर पे हम वेयर का क्लास अप्लाई करेंगे। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास तीन डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर 10, डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30। यहाँ पे हम कहते हैं वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 20। तो हमने उन एम्प्लॉयज का नाम, जॉब और डिपार्टमेंट नंबर मांगा जो कि डिपार्टमेंट नंबर 20 में जॉब कर रहे हैं। वेयर कंडीशन ने हमारे लिए क्यूरी को कन्फाइन किया और सिर्फ वो रिकॉर्ड दिखाए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 20 था। आप क्यूरी में थोड़ी एडिटिंग करते हैं, डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 20। जैसे ही आप ये क्यूरी अप्लाई करेंगे तो आपके सामने डिपार्टमेंट नंबर 20 और डिपार्टमेंट नंबर 30 के रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। और अगर आप इसी क्यूरी को लेस देन एंड इक्वल टू 20 कर देंगे तो डिपार्टमेंट नंबर 10 और डिपार्टमेंट नंबर 20 के रिकॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। से हमने ऑपरेट किया, 10 और 20 के रिकॉर्ड्स हमारे सामने इस वक्त डिस्प्ले हो रहे हैं सिलेक्ट की क्यूरी। नेक्स्ट सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, यहां पे हमारे पास तमाम रिकॉर्ड्स का डिटेल आ गया। यहां हमारे पास कमीशन का कॉलम है। कमीशन में हम वेयर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। कमीशन के हिसाब में हमारे पास दो बातें हो सकती हैं, या कमीशन नल हो सकता है या कमीशन नॉट नल हो सकता है। तो हमने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम, नेक्स्ट लाइन में हम वेयर की कंडीशन देते हैं वेयर कमीशन, कमीशन फील्ड का नाम है कॉम इज नॉट नल सेमीकॉलन एंड अगेन एंटर करेंगे तो हमें उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड नजर आ रहा है जिनके कमीशन में वैल्यूज हैं 300, 500, 1400 और जीरो भी है। क्यूरी को एडिट करते हैं वेयर कॉम इज नॉट नल की बजाय वेयर कमीशन इज नल कर देते हैं। Alt F S, Alt F X एंड स्लैश, क्यूरी को रीअप्लाई करते हैं। जैसे आप स्लैश करके क्यूरी को रीअप्लाई करेंगे तो आपके उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड आ जाएगा जो कोई कमीशन नहीं ले रहे, यानी कि जिनके अंदर कमीशन की वैल्यू को नल किया गया है। सिमिलरली हायरिंग डेट पे आप लगा सकते हैं, यहां पे आपके पास 1980, 1981 अप टू 1987 तक आपके पास हायरिंग डेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्यूरी लगाई सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम इज इक्वल टू, हमने एक एम्प्लॉय के नाम पे लगा दिया कि हम कहते हैं जी एम्प्लॉय का नाम है स्कॉट स्मिथ क्लार्क। जहां पे स्ट्रिंग देंगे तो वहां पे आपको सिंगल कोट्स में स्ट्रिंग को लिखना होगा। जैसे हमने स्कॉट को सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा तो हमारे पास स्कॉट का कंप्लीट रिकॉर्ड आ गया क्योंकि वेयर कंडीशन में हमने एम्प्लॉय नेम स्कॉट नामा मांगा था। यहां पे सिमिलरली हम कहते हैं एम्प्लॉय नेम जॉब सैलरी सिलेक्ट करो फ्रॉम एम वेयर जॉब इज इक्वल टू, यहां जॉब भी एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को सिंगल कोट में लिखेंगे मैनेजर सेमीकॉलन। तो यहां पे सिर्फ उन एम्प्लॉयज का नाम जॉब और सैलरी आएगी जिनकी जॉब मैनेजर है। वेयर क्लॉज आप न्यूमेरिक वैल्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। दिस वॉज अवर फर्स्ट मोस्ट क्लॉज वेयर क्लॉज। नाउ डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्लॉजेस हैं ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज और हैविंग क्लॉज।
ऑर्डर बाय का क्लॉज इसलिए होता है कि हम रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देख सकें। जैसे यहां पे मैंने क्वेरी अप्लाई की है, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम ऑर्डर बाय कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये इसका सिंटैक्स है। यहां मैंने नोट्स में पर्सन टेबल रखा हुआ है, हम इसको ऑरेकल में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं जहां हमारे पास एक प्रैक्टिकली एक टेबल है एम, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, हमारे एम्प्लॉय टेबल के तमाम रिकॉर्ड्स दिखा रही है। हम ये चाहते हैं कि सैलरी के रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग तरतीब में देखें, एमजीआर को असेंडिंग या डिसेंडिंग तरतीब में देखें, या डिपार्टमेंट नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग तरतीब में देखें। इसके लिए सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम एम, अब यहां हम वेयर नहीं लगाएंगे, यहां हम क्लॉज लगाएंगे ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय सैलरी यानी सैलरी के लिहाज से तरतीब में लाओ असेंडिंग या डीईएससी मींस डिसेंडिंग। पहले हम असेंडिंग करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहां पे 800, 950, 1100, 1250 अप टू 5000 ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग हो गया। सिमिलरली अगर हम ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग करेंगे क्यूरी में और क्यूरी को एडिट करके रीअप्लाई करेंगे तो हमारी 5000 टॉप पे आ गई है और सिमिलरली 800 बॉटम पे आ गई है, यानी कि टॉप टू बॉटम ऑर्डर में हमारा डेटा अरेंज हो गया। दिस वाज हाउ वी अप्लाई ऑर्डर बाय क्लास। नेक्स्ट है हैविंग क्लास और ग्रुप बाय क्लास। हैविंग से पहले हम ग्रुप बाय को डिस्कस करेंगे। ग्रुप बाय क्लास एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉजिकल कंडीशन और एन एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आपके पास होता है सम, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, इनको आप एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं। तो एसक्यूएल में ये प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। इस क्यूरी का सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम नेम कॉमा एग्रीगेट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, टेबल के बाद वेयर लॉजिकल टेस्ट, ग्रुप बाय और कॉलम नेम, किस कॉलम के लिहाज से ग्रुपिंग करेंगे। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं एसक्यूएल में। यहां हमारे पास जो टेबल है वो है एम्प्लॉय। हम ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय के टेबल में सैलरी के तीन ग्रुप्स बना लें, डिपार्टमेंट नंबर 10 की सैलरी का ग्रुप, डिपार्टमेंट नंबर 20 की सैलरी का ग्रुप और डिपार्टमेंट नंबर 30 की सैलरी का ग्रुप। और ग्रुप्स में हम ये देखना चाहते हैं मैक्सिमम सैलरी किसकी है, या एवरेज सैलरी किसकी है, या मिनिमम सैलरी किसकी है। तो ग्रुप वाइज डिविजन करने के लिए हम ग्रुप बाय क्लास का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे हम क्यूरी देते हैं इसको, सो फॉर दैट क्यूरी हम टाइप करेंगे सिलेक्ट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर, आगे हम लिखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। जैसे हमने कहा सिलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी, या हमने पहले दे दिया डिपार्टमेंट नंबर कॉमा मिनिमम ऑफ सैलरी एंड मैक्सिमम ऑफ सैलरी, ये दो एग्रीगेट फंक्शंस हमने लिए। क्या हमने कहा जी डिपार्टमेंट नंबर सिलेक्ट करो, उस डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी दिखाओ और उसकी मैक्सिमम सैलरी दिखाओ, देन सम ऑफ सैलरी
स्पेस फ्रॉम इम्प, इसके बाद आप वेयर की लॉजिकल कंडीशन भी दे सकते हैं और ग्रुप बाय का क्लास भी दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप बाय और डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे। अब ये डिपार्टमेंट नंबर 10 की, 20 की और 30 की मिनिमम मैक्सिमम और सम सैलरी शो करेगा, ये क्यूरी का रिजल्ट ग्रुप बाय क्लास लगाने की वजह से। जैसे ही आप एंटरप्राइज करेंगे आपका डिजायर्ड रिजल्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपकी क्यूरी का रिजल्ट डिपार्टमेंट नंबर 10 मिनिमम सैलरी, मैक्सिमम सैलरी और सम सैलरी। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 की मिनिमम मैक्सिमम और सम सैलरी आप देख सकते हैं और डिपार्टमेंट नंबर 30 की मिनिमम मैक्सिमम और सम सैलरी देख सकते हैं। यानी कि हमने अपने एम्प्लॉय के टेबल के रिकॉर्ड को डिपार्टमेंट नंबर के लिहाज से 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। नेक्स्ट है जी हैविंग क्लास। हैविंग क्लास ग्रुप बाय क्लास के साथ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हमने ग्रुप बाय के बाद डिस्कस किया। जैसे यहां आप क्यूरी देख सकते हैं सिलेक्ट कस्टमर, उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन लगा हुआ है सम ऑफ ऑर्डर प्राइस फ्रॉम टेबल ऑर्डर्स ग्रुप बाय कस्टमर हैविंग सम ऑफ ऑर्डर प्राइस इज लेस देन 20। यहां ग्रुप बाय के साथ हैविंग की लॉजिकल कंडीशन ऐड की गई है। यहां हम इसको अपने एम्प्लॉय टेबल पे अप्लाई करते हैं। हमने जो क्यूरी लिखी हुई है सिलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर, इस क्यूरी के बाद हम यहां पे क्यूरी लगा देते हैं और हैविंग का क्लास लिखते हैं हैविंग डिपार्टमेंट नंबर और मैक्सिमम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 1200। हमने ये कहा कि हमें दिखाओ तीन ग्रुप्स में, डिपार्टमेंट 10 के लिहाज से भी, 20 के लिहाज से भी, 30 के लिहाज से भी, लेकिन यहां पर हमारे पास मैक्सिमम सैलरी की अमाउंट 1200 से ज्यादा होनी चाहिए, या जी 3000 से ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पे सेमीकॉलन क्यूरी को सेव करेंगे तो अब हमारे पास तीन ग्रुप्स जो बनेंगे, उन ग्रुप्स में जिस ग्रुप की सैलरी मैक्सिमम सैलरी 3000 से ऊपर आ रही है सिर्फ उनके रिकॉर्ड आएंगे। तो प्रीवियस क्यूरी में हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 30 की सैलरी 2850 थी, जो कि हमारे रिसेंट रिजल्ट में शामिल नहीं हुई क्योंकि हमने इस पे हैविंग की लॉजिकल कंडीशन अप्लाई कर दी, जहां पे हमने कहा हैविंग मैक्सिमम सैलरी इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 3000। तो ये ग्रेटर इक्वल 3000 की कैटेगरी में नहीं आ रहा था, तो डिपार्टमेंट नंबर 30 का ग्रुप यहां से ड्रॉप हो चुका है। तो ये हमारे पास एसक्यूएल के क्लासेस हैं वेयर ग्रुप बाय ऑर्डर बाय एंड हैविंग। थैंक यू वेरी मच।